हेलो दोस्तों, मैं सोनबीर सिंह, डिफेंस एकेडमी देहरादून में आप सभी का वेलकम करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो एनडीए में बाइनोमियल थ्योरम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीरीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूंगा वो बाइनोमियल थ्योरम को कम्प्लीटली, इस पर मैंने एक लेक्चर और डाला था तो उसमें मैंने बेसिक ही बताया था, उस बेसिक को इसमें ऐड करते हुए और आगे को बढ़ेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम को हम कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और उससे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, और स्पेशली उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए, तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जिससे आपके पास ये वीडियो रहेगी तो आप इसे एक बार ना, दो बार, तीन बार, चार बार देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, यूट्यूब पे रहेगी। और इसका जो पीडीएफ रहेगा, जो इसका पीडीएफ मैं बता देता हूं बेटा, जहां आप ये क्लास देख रहे हो, डिफेंस एकेडमी देहरादून, क्या डिफेंस एकेडमी देहरादून पे जो क्लास देख रहे हो, ये डिफेंस एकेडमी देहरादून, यहां पे जो क्लास देख रहे हो बेटा, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे नीचे लिंक मिलेगा आपको, किसका, टेलीग्राम का मिलेगा, टेलीग्राम का। उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे, जब ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा, क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम स्पेशली उसी पर डिस्कस करेंगे, हम स्पेशली उसी पर डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड में अपना, एक सेकेंड, ठीक है, उसी पर डिस्कस करेंगे हम, तो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने बेसिक इसका कुछ बताया था, उस बेसिक को इसी क्लास में ऐड करके और इसी को हम आगे तक बढ़ाएंगे, कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और बड़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी और मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि एडवांस तो चलेगा ही चलेगा, बट मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे टैकल आपको करना है, ठीक है। तो आज की हेडिंग डालेंगे आप बाइनोमियल थ्योरम डालेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम को माय डियर हमने कल बेसिक देख लिया था, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, द्विपद प्रमेय इसे बोला जाता है, द्विपद प्रमेय इसे बोला जाता है। एनडीए में यहां से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनडीए में लगभग यहां से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो एक बार 5 नंबर में आ गया था, ठीक है ना, दो थे तो वही, उसी पर हम बात करेंगे। और एयरफोर्स नेवी की अगर मैं बात करूं, किसकी बेटा, एयरफोर्स और नेवी की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वेटेज एनडीए में ज्यादा रहता है इसका, एनडीए में वेटेज ज्यादा रहता है, ठीक है। उन्हीं चीजों पे अब हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से करेंगे और ये कंटिन्यू क्लासेस रहेगी। और इस क्लास पर मैं डलवा दूंगा बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 1, क्या, पार्ट 1, ठीक है। इस क्लास के थंबनेल पर मिलेगा आपको पार्ट 1, ठीक है ना, पार्ट 1 यहीं से देखना, क्योंकि जो इससे पहली वीडियो डाली है मैंने उसमें, ठीक है, तो उस बेसिक को इसी में ऐड कर देंगे, तो पार्ट 1 तो आप ऐसे ही देखते चले जाओगे, ठीक है ना, या फिर लेक्चर या क्लास 1 डलवा देंगे इसमें, पार्ट 1 छोड़ो, क्लास 1 डलवा देंगे इसमें हम, क्या डलवा देंगे बेटा, क्लास 1 डलवा देंगे, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट अलग से है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा डिफेंस एकेडमी देहरादून को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, अगर कोई क्वेरी करनी है तो हमारी वेबसाइट पे नंबर दिए हुए हैं और नीचे लिंक में देखोगे वहां भी नंबर दिए हुए हैं, तो आप क्वेरी कर सकते हो, ऑफलाइन बैच के लिए, ऑनलाइन के लिए, जैसा भी आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, दिक्कत किसी भी बैच में नहीं आएगी, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो सम फैक्ट्स एंड रिजल्ट्स देखेंगे यहां पर हम, क्या देखेंगे बेटा, सम फैक्ट्स एंड रिजल्ट्स, एक एक चीज समझते चले जाएंगे, सम फैक्ट्स एंड रिजल्ट्स, ठीक है ना। कुछ रिजल्ट देखेंगे, कुछ फैक्ट देखेंगे, ठीक है ना, कुछ तथ्य और परिणाम देखेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसे, कुछ तथ्य और परिणाम, कुछ तथ्य और परिणाम देखेंगे। एक बात मैं बता देता हूं,
हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बायलिंगुअल बच्चे भी रहते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बायलिंगुअली चलता हूँ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है ना। अगर हिंदी में लिखा है इंग्लिश में बोल दूंगा, इंग्लिश में लिखा है हिंदी में बोल दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सीधी सीधी चीजें पढ़नी है। अगर आपको ये चीज जाननी कि ये चीज आई कहां से, जो आपके काम की चीज है, जैसे जो मुझे जितना मैं बताऊंगा, ठीक है, जितना डेप्थ में जाना जाऊंगा उतना मैं आपके काम की चीज बताता चला जाऊंगा। और ज्यादा डेप्थ में जाना है तो आप आईआईटी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल जीरो से है वो, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं, इसी से आपका पेपर निकल जाना, आपको पेपर निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहला रिजल्ट देखेंगे बेटा एनसीआर, क्या देखेंगे एनसीआर। एनसीआर एक चीज मैं बता देता हूं, यहां पर फैक्टोरियल यूज होगा, एक वर्ड होता है बेटा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होता है। इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल एक तो ऐसे करके भी लगा देते हैं हम, ऐसे करके, और एक सिंबल होता है इसका ऐसे करके लगा देते हैं, नीचे बिंदी लगा देते हैं, फैक्टोरियल का सिंबल होता है। तो ये होता है बेटा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अच्छा, एग्जाम में कैसे मिलेगा, एग्जाम में ये वाला साइन ज्यादा यूज होता है, अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर, ये वाला साइन ज्यादा मिलेगा आपको, है ना, बिंदी वाला, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो मैं इस साइन को इसलिए यूज करता हूं, थोड़ा चीजें सेपरेट सेपरेट सी दिखती है ना, दूर सी दिख जाती है, तो इसलिए इसे यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक होता है बेटा एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, क्लास में साथ के साथ तैयार और लर्न कर लेना है, ठीक है ना, लर्न कर लेना है, ठीक है ना, सी फॉर कॉम्बिनेशन, क्लियर है। चलिए अब दूसरा रिजल्ट अगर हम यहां देखेंगे तो दूसरा रिजल्ट आएगा माय डियर यहां पे एनसीए इक्वल टू होता है बेटा एनसीबी, ठीक है ना। यहां पे देर आर टू रिजल्ट्स, क्या देर आर टू रिजल्ट्स, देर आर टू रिजल्ट्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं सर दो रिजल्ट, बेटा वो दो रिजल्ट होते हैं, एक तो होता है ए इक्वल टू बी होता है, और दूसरा होता है और ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है रे, एन होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन होता है। एक होता है ए इक्वल टू बी और दूसरा कौन सा होता है, ए प्लस बी इक्वल टू एन होता है, क्या होता है एन, ठीक है। अगर मेरे सिरों में आपसे कहूं बेटा यहां से बी की वैल्यू जरा निकालो तो आप कहेंगे सर एन माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन माइनस ए। तो बी की वैल्यू यहां रख देते हैं, जब आप बी की वैल्यू यहां रखोगे तो ये बनेगा एन सी ए इक्वल टू एन सी, बी की वैल्यू हो जाएगी एन माइनस ए, ठीक है। इसी को इक्वेट कर सकते हो आप किसके, एन सी बी के भी इक्वेट कर सकते हो, तो एक रिजल्ट बन के ये तैयार हो जाता है। इसी के पैटर्न पर क्या बेटा, इसी के पैटर्न पर इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के पैटर्न पर इसमें देखेंगे बेटा, इस वाले में, इस वाले रिजल्ट में देखेंगे तो जो ये एनसीआर है तो हम एनसीआर को लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर, और ये किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ठीक है। इसी के पैटर्न पर हमने ये रिजल्ट भी बना डाला, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से आगे चीजों को बढ़ाएंगे, फटाफट इसे नोट करो फिर बढ़ जाते हैं आगे को, फटाफट नोट कर दो फिर बढ़ जाते हैं आगे को। इसे फटाफट नोट करो फिर इस पर देखते हैं कुछ चीज और, ठीक है। इतना देख लिया बेटा, अब यहां से आगे आ जाते हैं। अभी हमने रिजल्ट पढ़ा, रिजल्ट ये था सर एनसीआर बोले आप इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, और ये बताया सर आपने फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ठीक है। इसी को थोड़ा सा हम देखते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है ना, समझना बहुत जरूरी है, समझते हैं और फिर इस पर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए इस पर हम काम करना शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आर की वैल्यू जीरो पुट करो, क्या बेटा पुट आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि पुट R इज इक्वल टू जीरो, आर की वैल्यू जीरो पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, कि सर जब मैं R की वैल्यू यहां से पुट करूंगा तो पहला मिलेगा एन सी जीरो इक्वल टू एन सी एन, और बेटा यहां पे R की वैल्यू जीरो तो ये फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन,
क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है जी, अब दूसरी कहानी कि अगर मैं कहूं बेटा आर की वैल्यू वन पुट करो, यहां पे क्या करो, आर की वैल्यू वन पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा, दूसरा रिजल्ट मिलेगा यहां से वन। तो एन सी वन इक्वल टू एन सी एन माइनस वन, और ये क्या होगा, वन पुट करोगे तो ये फैक्टोरियल एन, और ये बेटा अपॉन फैक्टोरियल एन, क्या फैक्टोरियल एन, ये फैक्टोरियल एन है, ये फैक्टोरियल एन माइनस आर है, और ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन होती है, ये फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन माइनस आर हो जाएगा। जब इसे ओपन कर रहे होगे तो इसे जब खोलोगे बेटा ये एन, ठीक है, जब इसे कट करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, खाली एन बचेगा, क्या बचेगा, खाली एन बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एन, क्या आ जाएगा एन। तो एन सी वन इक्वल टू एन सी एन सी एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं क्या कि आर की वैल्यू टू पुट करके देखो तो जरा, तो आप पता है क्या कहेंगे, सर अगर मैं टू पुट करता हूं तो ये क्या बनेगा, एन सी टू इक्वल टू एन सी एन माइनस के टू। ठीक है, अब सर ये कैसे करें, तो बेटा यहां पे इसका मतलब क्या है पता है, इसे आप दो बार ओपन करो, इसे एक बार ओपन करोगे तो एन ही तो आएगा, इसे दो बार आप ओपन कर दो, अभी मैं बताता हूं, ऐसी थोड़ा मैं बता रहा हूं, रुको अभी यहां भी लिखो, मैं कहूं बेटा आर की वैल्यू तीन पुट करो, अभी ओपन करना बता रहा, तो आप क्या कहेंगे सर, ये बन जाएगा चौथा रिजल्ट कि सर ये एन सी थ्री इक्वल टू एन सी एन माइनस थ्री, तो ये क्या बनेगा सर, वो अभी देखेंगे, जस्ट वेट। मैं कहूं बेटा आर की वैल्यू फोर पुट करो जरा, तो आप कहेंगे सर यहां से बनेगा पांचवा रिजल्ट, तो पांचवा रिजल्ट कैसे बनेगा सर, ये एन सी फोर इक्वल टू एन सी एन माइनस फोर, क्या ओपन होगा वो देखेंगे जरा। अब यहां से कहूं मैं बेटा आर की वैल्यू फाइव पुट करके बताओ जरा कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर आएगा पांचवा रिजल्ट, छठा आ जाएगा, तो छठा कैसे बनेगा सर, एन सी फाइव इक्वल टू एन सी एन माइनस फाइव, तो सर इसे ओपन करेंगे कैसे होगा, ठीक है पहले आप ओपन करके देखो फिर मैं बताता हूं ओपन कैसे होगा, जल्दी जल्दी देखो, ठीक है जल्दी जल्दी देखो ओपन करके बताओ फिर मैं बताता हूं। क्या ठीक है सर, इसे ओपन करेंगे बेटा, पता है इसका मतलब क्या होगा कि एन को दो बार पीछे को खोलना है, तो सर एक एन ये आ गया, एक एन माइनस वन ये आ गया, नीचे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल दो आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं है। एन को पीछे को तीन की तीन बार खोलना है, तो एक तो एन आ जाएगा, एक एन माइनस वन आ जाएगा, एक एन माइनस टू आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, फैक्टोरियल तीन आ जाएगा, ठीक है बड़ा आसान है कोई दिक्कत नहीं है। एन को पीछे को चार चार बार खोलना है, तो एक एन आ जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा, एन माइनस टू आ जाएगा, एन माइनस थ्री आ जाएगा, और अपॉन आ जाएगा फैक्टोरियल फोर, कोई दिक्कत है नहीं है। ऐसे बेटा एन को पीछे को पांच बार खोलना है, तो एक एन आ जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा, एन माइनस टू आ जाएगा, एन माइनस थ्री आ जाएगा, और एन माइनस फोर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा बेटा कितना, फैक्टोरियल, अरे मर गए, फैक्टोरियल समझ गए होंगे ना, अरे फैक्टोरियल क्या आ जाएगा बेटा, फैक्टोरियल आ जाएगा पांच, ये आ जाएगा नजर आ रहा होगा, फैक्टोरियल पांच आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल पांच, ठीक है नोट करो इसे। एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर अब इसे यूज यूटिलाइज कैसे करना है, क्या यूज एंड यूटिलाइज कैसे करना है, तो मैं वही चल रहा हूं बेटा, इसे यूज एंड यूटिलाइज कैसे करेंगे वो तो बताओ सर, वही देख रहे हैं बेटा कैसे करेंगे, ठीक है यूज एंड यूटिलाइज कैसे करना है, तो देखो इसे करेंगे बेटा पहले इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, इसका देखेंगे, इसका देखेंगे,
इसका देखेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। अब मैं n की वैल्यू 10 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, n की वैल्यू 10 ले लेता हूं। तो इसमें देखेंगे बेटा, पहले वाले में तो 10 लूंगा तो ये tan c 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा सर, ये tan c 10 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है बेटा, 1 होती है। ठीक है ना, क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब tan c 10 यानी कि n c n या 11 c 11 c n 12 c 12 c n 13 c 13 c होगा या फिर n c n होगा तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे बेटा, तो यहां दूसरे वाले को जब देखोगे आप तो दूसरे वाले में क्या होगा, tan c 1 इक्वल टू tan c 9, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, n होती है, यानी कि tan ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वाले में देखेंगे, इसमें तो tan c 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये tan c 2 हो जाएगा इक्वल टू tan c 8 हो जाएगा। तो इसे ओपन करना है, इसका ओपन करेंगे बेटा, tan को पीछे की तरफ दो बार खोलना है, तो दो बार खोलोगे तो एक तो 10 आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 को ओपन करोगे तो 2 ही रहेगा, और 2 से 5 बार ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 45, कितना 45 मिल जाएगा। ऐसे इसे देखेंगे एन सी 3 को, तो ये चौथा जो बनेगा बेटा tan c 3 बनेगा, और ये tan c 7 हो जाएगा, और इक्वल टू यानी कि tan को पीछे की तरफ तीन बार खोलना है, तो तीन बार खोलोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन तीन बार, यानी कि फैक्टोरियल 3 आएगा, तो फैक्टोरियल 3 मतलब बेटा 6 हो जाएगा, तो काट दो तो 3 × 9 3 × 2 6 2 × 4 4 3 × 12 120 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फैक्टोरियल खोलना मैं बताऊंगा अभी, बस अभी इतना समझ लो। तो लो मैं यहाँ सिर्फ वही लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 3, तो उसे जब समझ जाओगे खोलना कैसे तो आप इसे सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एन सी 4 है, क्या है एन सी 4, तो tan c 4 इक्वल टू हो जाएगा tan c 6, बेटा tan को 4 टाइम पीछे खोलना है, तो tan इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 होता है बेटा 24, 24 हो जाएगा 9 × 8 = 72 और 24 × 7 = 21 210 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ऐसे ही 6 नंबर को देखेंगे, तो 6 नंबर को ओपन करेंगे बेटा तो क्या है एन सी 5 यानी कि tan c 5 हो जाएगा इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा बेटा tan c 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या कि सर tan को 5 टाइम पीछे को खोलना है। ठीक है, तो tan इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 times खोल दिया, नीचे कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा बेटा 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना 120, तो 0 से 0 कट गया, नीचे 12, 6 × 12 2 × 2 = 8 4 × 9 = 36 सत्य, तो 36 सत्य कर दो बेटा, 7 × 42 कर दो, 4 × 7 = 21 और 4 × 25 252 आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा 252। थोड़ा कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी, जब बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तब कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। ठीक है, अभी हमने इतनी कहानी बताई है, इसको समझो नोट करो फिर फटाफट हम आगे को बढ़ जाते हैं। ठीक है, फटाफट हम आगे को बढ़ जाते हैं। ठीक है, करो नोट फटाफट इसे। कर लिया, ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा आगे, आगे देखेंगे वैल्यू ऑफ सम फैक्टोरियल, हेडिंग डालेंगे वैल्यू ऑफ सम फैक्टोरियल, वैल्यू ऑफ सम फैक्टोरियल। ठीक है ना, कुछ फैक्टोरियल के मान देखेंगे, कुछ क्रम गुणित के मान, फैक्टोरियल क्या होता है क्रम गुणित, कुछ क्रम गुणित के मान, कुछ क्रम गुणित के मान देखेंगे, सम वैल्यू ऑफ सम फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बोलते हैं बेटा क्रम गुणित, क्या बोला जाता है क्रम गुणित बोला जाता है। तो देखेंगे यहां पे कैसे, सर मैं कहूं बेटा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी, सर पीछे को दो बार खोल दो, पीछे की तरफ खोलना है तो कितनी आ जाएगी 2 ही आ जाएगी,
फैक्टोरियल 3 की बात करें तो पीछे को एक तरफ खोलना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये आ जाएगी 6। फैक्टोरियल 4 की बात करें तो ये आ जाएगी बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये कितनी आ जाएगी, 4 क्या 12 दूनी 24 आ जाएगी। ठीक है, फैक्टोरियल 5 की बात करें तो पीछे की तरफ खोलना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ठीक है, तो ये आ जाएगी बेटा 120। अब ऐसे ही फैक्टोरियल 6 की बात करें तो ये आ जाएगी 6 इंटू, या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है ना, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 ठीक है ना, या फिर ब्रेक करके लिख लो पूरा ठीक है ना, अभी ब्रेक करके लिख लो फिर बाद एग्जाम में नहीं करना है, क्वेश्चन करते टाइम याद रखना है। 4 3 2 1 2 1 तो ये हो जाएगा 720, क्या हो जाएगी 720। फैक्टोरियल 7 की अगर मैं बात करूं बेटा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 ये हो जाएगा कितना 50 40, देख लेना एक बार मल्टीप्लाई करके ठीक है। फैक्टोरियल 7 तक ही याद रखना है, इससे काम हो जाना है आपको ठीक है ना, फैक्टोरियल 7 तक ही याद रखना है और इसी से आपका काम भी हो जाना है ठीक है ना। चलो चलें आगे बढ़े, अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिजल्ट, क्या क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिजल्ट, अब देखेंगे आगे हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ठीक है ना, ऑन रिजल्ट परिणाम पर आधारित प्रश्न, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे बेटा, परिणाम पर आधारित प्रश्न हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, परिणाम पर आधारित प्रश्न बोलेंगे। कि कौन से परिणाम की बात कर रहे हैं बेटा, हमने ये पढ़ा था ना NCA इक्वल टू NCB पढ़ा था, कि हाँ सर पढ़ा था इसके, ये देयर आर टू रिजल्ट्स ठीक है ना, कौन कौन से थे सर, एक तो था A इक्वल टू बी और A प्लस बी इक्वल टू N, दूसरा रिजल्ट ये था, दो रिजल्ट थे A इक्वल टू बी और दूसरा तो क्या था A प्लस बी इक्वल टू N। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए बेटा, वही कराऊंगा मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, यहां पे बात जो करेंगे उन्हीं क्वेश्चन पे हम करेंगे ठीक है ना। क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, क्वेश्चन ये था बेटा 19 CX plus 1 और क्या दिया था इक्वल टू 19 2X minus 3 इज इक्वल टू 19 2X minus 3 क्या बेटा 19 CX plus 1 इक्वल टू 19 C 2X minus 3 फाइंड एक्स ठीक है। ऑप्शन दिए थे 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 और 7, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन दिए थे ठीक है। करो इसे सॉल्व, तो देखो यहां पे इसका सॉल्यूशन देखोगे आप, जब सॉल्यूशन क्या बेटा, ये एन सी ए और इक्वल टू एन सी बी हो गया तो ये वैल्यू किसकी होगी ए की, तो ये वैल्यू किसकी होगी बेटा बी की होगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू 2X minus 3 और ये उधर जाएगा तो ये आएगा बेटा एक्स इक्वल टू 4, तो कितनी आ जाएगी ये एक्स इक्वल टू 4। और कैसे सर, क्या सर ये भी तो होता है बेटा ए प्लस बी इक्वल टू एन, तो इन दोनों को जोड़ दो तो a की वैल्यू x प्लस वन, b की वैल्यू 2X minus 3 और n कितना है सर, ये n ही तो होता है बेटा, NCA इक्वल टू NCB तो ये n कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3X minus 2 इक्वल टू 19, तो 3X बराबर हो जाएगा 21 और x की वैल्यू आ जाएगी 7, तो बेटा x की दो वैल्यू आ गई 4 और 7 ठीक है ना, 4 और 7 यही आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है, बच्चे क्या करते हैं अक्सर ये निकालेंगे, 4 और 4 ऑप्शन में होगा टिक करके चले आएंगे तो जो कि गलत हो जाएगा है, पूरा चेक करके देखना है। चलें बढ़े आगे, समझ में आ रहा है,
तो इसी रिजल्ट पे देख रहे हैं हम क्वेश्चंस, इस रिजल्ट पे देख रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना बेटा। रिजल्ट को लगाना, इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। रिजल्ट तो पता है आपको, बट वो आप इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते हो तो दिक्कत हो जाती है। रिजल्ट तो पता है बट आप अगर इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते हो तो दिक्कत क्रिएट हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं कि हमें रिजल्ट तो पता था बट क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं पता था। दोनों चीजें आनी चाहिए, रिजल्ट भी पता होना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। अगला देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन ये था tan c x इक्वल टू tan c x प्लस के 4। क्या बेटा? tan c x इक्वल टू tan c x प्लस के 4। फाइंड x, क्या फाइंड x, फाइंड x बस ये बताना है, फाइंड x बताना है। तो जब आप यहां देखोगे और समझोगे चीजों को तो आप देखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा। ये क्या एन सी ए इक्वल टू एन सी बी, तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ए हो गई। सर ये वैल्यू क्या हो गई, सर ये बी हो गई, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू बी, एक रिजल्ट आप जानते हो ना, इक्वल टू बी, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो 0 इक्वल नॉट 4 आ जाएगा। 0 4 के बराबर होता है क्या? नहीं होता। जब 4 के बराबर नहीं होता तो ये कट का निशान लगा दिया, वो कह रहा भैया 0 4 के बराबर नहीं होता, इसे इक्वल नॉट बोल देते हैं, ठीक है। 0 4 के बराबर नहीं होता है तो सर अब क्या करें फिर? अब दूसरा रिजल्ट अप्लाई करो भैया, कौन सा सर? a प्लस बी इक्वल टू एन, तो a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू x प्लस 4, n की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो x का a की वैल्यू आई बेटा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चलो और देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बेटा NC 15 इक्वल टू NC 8, है NC 8, क्या NC 15 इक्वल टू NC 8, फाइंड NC 21। वो पूछ रहा था फाइंड NC 21, ये पूछ रहा था फाइंड NC 21। लगाओ थोड़ा जोर, फटाफट देखता हूं मैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। समझ में आ रहा है ना बेटा? समझ में आ रहा है तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो अपना अपना फीडबैक भी देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे और बताएंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे तो मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा आपका, ठीक है। चलिए, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखेंगे यहां पे बेटा इसे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका क्या देखेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन देखोगे बेटा, ये तो a हो गया, ये b हो गया, यानी कि एन सी ए इक्वल टू एन सी बी हो गया। बट सर यहां पे क्या a प्लस बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी होगा? बताओ रे, नहीं होगा, क्योंकि सर यहां 15 यहां पे 8 है, तो ये तो चला गया हमारे हाथ से। तो बचा क्या सर? हमारे पास दूसरा भी तो है, a प्लस बी इक्वल टू एन, तो a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 8 और सी एन की वैल्यू आ जाएगी, तो n की वैल्यू आ जाएगी 23। कितनी आ गई बेटा? n की वैल्यू 23 आ गई। और वहां क्या पूछ रहा है बेटा? NC 21 पूछ रहा है। तो यहां पे पूछ रहा है NC 21, क्या पूछ रहा है? NC 21, तो NC 21 पूछ रहा है, तो n की वैल्यू 23 आ गई, 23 C 21 हो गई, ठीक है। अब इसे ओपन करके आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, क्या मैंने एक चीज पढ़ाई थी बेटा, एन सी आर इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर, ये पढ़ाया था, याद है? हाँ याद होगा, ठीक है ना, याद होगा। या फिर एक और बताया था मैंने, एन सी ए इक्वल टू एन सी एन माइनस ए, ये बताया था, ये भी याद होगा, है पीछे बता दिए दोनों। तो यहां पे करोगे बेटा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं सर? ये 23C 2 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि 23 को दो बार पीछे को ओपन करना है, तो 23 आ जाएगा और एक 22 आ जाएगा, और नीचे फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2 ही होती है, 2 से डिवाइड करेंगे 11, और 11 के 23 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 5 253, ये आपका आंसर हो जाएगा, 253 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 253 ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा।
समझ आया नहीं आया? मजा आ गया होगा एकदम, बढ़िया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना आप, है नेट पर सर्च मार के देख लेना, एनडीए के ही है क्वेश्चन ये बेटा। 2NC3, क्या 2NC3 NC3 इक्वल टू 11:1, क्या है बेटा 2NC3 इक्वल टू 11:1, फाइंड N। क्या कह रहा है वो, फाइंड N, N की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। करो आंसर साहित्य आंसर करो बेटा फटाफट, रिवाइज हो जाएगा बहुत बढ़िया करके, है ना, बहुत बढ़िया करके रिवाइज हो जाएगा, है ना। वैसे तुम अपने से तो करोगे ना, नालायक है, आलसी हो एक नंबर के, मैं करवा दूंगा तो हो जाएगा। करो इसका आंसर फटाफट, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्या देखेंगे सर, क्या सॉल्यूशन कैसे सर, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2NC3 upon NC3 equal to 11/1 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे ओपन कर दो बेटा तीन बार पीछे को, तो सर ये आएगा 2N into 2N minus K1 into 2N minus K2, और यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, और नीचे वाले को ओपन करेंगे इसको सर तीन बार पीछे को, तो N into N minus 1 into N minus 2 तीन बार हो गया, और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 3, बहुत बढ़िया, और बराबर में क्या है बेटा 11/1 है, क्या है 11/1 है। तो आप समझ गए होंगे कि सर यहां से ये कट जाएगा, बहुत बढ़िया कट गया बेटा। तो अब आगे क्या बचेगा कि सर यहां से अगर ये कट गया तो n से n भी मर गया, बहुत बढ़िया बेटा। इस वाले से हम क्या ले लें, दो कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4, ये भी बहुत बढ़िया हो गया। तो सर ये बन गया 4, दो कॉमन लिया तो यहाँ एन माइनस वन बचा, तो इससे फिर ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो 4 और यहाँ पे क्या बचा बेटा 2N minus K1, और नीचे क्या आ गया N minus K2, बस ये बचा, और इक्वल टू में क्या है 11/1। एक बार सोचो समझो देन उसके बाद आगे बढ़ो इस पे, एक बार सोचो समझो देन उसके बाद आगे बढ़ जाओ, कि बस अब आसान हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8N हो जाएगा बेटा, और माइनस के 4, ये हो जाएगा 11N minus K22। तो 8 और 3 11, ये 3N equal to, ये हो जाएगा बेटा 8 4 12 18 हो जाएगा, तो N की वैल्यू आ जाएगी 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया या नहीं आया बोलो जल्दी, ठीक है ना। अब ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना, लेक्चर के हिसाब से चलेगा, पूरा आपका रिकॉल हो जाएगा पूरे का पूरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा, 15 CR upon 15 CR minus K1, क्या 15 CR upon 15 CR minus K1 इक्वल टू है बेटा 11/5। वो कह रहा है आपसे फाइंड R, क्या फाइंड R, R की वैल्यू बतानी है आपको, क्या बतानी है R की वैल्यू बतानी है 15 CR upon 15 CR minus 1 equal to 11/5, फाइंड द R। ठीक है, फाइंड द R करो जल्दी से, ठीक है ना। करो जल्दी, करो करो, देखो बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साथ के साथ लिखाता रहूंगा मैं आपके रिजल्टों को, ठीक है ना, साथ के साथ मैं लिखाता रहूंगा आपके रिजल्टों को। क्या बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद कर लेंगे यहीं की यहीं, क्या है सर बताइए तो बेटा, ये होता है NCR upon NCR minus 1, ये होता है बेटा इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, किसका बेटा
ध्यान देंगे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस n का और r माइनस वन का, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, तो समझ में आ गई तो क्या सर, n माइनस के r माइनस वन, ठीक है ना। और इन दोनों में से जो बड़ा होगा, क्या क्या बेटा, इन दोनों में नजर आ रहा है नहीं आ रहा ना, इधर से नजर आएगा, है ना। मैंने कहा बेटा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि n माइनस आर माइनस वन ऊपर आ जाएगा, और इस r में से और इसमें से जो भी बड़ा होगा वो नीचे आ जाएगा। तो कौन सा बड़ा है, r बड़ा है। क्या बड़ा है बेटा, r। तो अच्छे से और लिख देते हैं हम इसे, कैसे लिखोगे सर अच्छे से, तो यहाँ नीचे r लिख देते हैं, बात खत्म। ये हो गया आपका एक रिजल्ट तैयार, भूल मत जाना, नहीं ये तुम्हें बहुत याद आएगा पेपर में, है ना। ये हो गया रिजल्ट तैयार, भूलना नहीं है ये रिजल्ट, क्या नहीं करना है सर, भूलना नहीं है, ठीक है। तो सर भूलना, सर को तो भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट रिजल्ट नहीं भूलना है आपको ना। तो बेटा यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे आप, तो सॉल्यूशन देखेंगे कैसे, 15 CR है अपॉन, सर आपने अभी तो बताया, क्या बेटा अभी तो बताया था भाई ये 15 CR है और 15 CR- के बने, तो ये क्या हो जाएगा। आप ये काम मत कर देना इसे, क्या रे, ये काम मत कर देना कि सर फैक्टोरियल 15 अपॉन एन माइनस आर, यानी कि फैक्टोरियल 15 माइनस के आर इंटू फैक्टोरियल आर, और अपॉन में कर दो बेटा ये फैक्टोरियल 15, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर फैक्टोरियल 15 यानी कि 16 माइनस के आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस के वन। ये काम मत कर देना है ना, इसी काम से बचने के लिए आपके पास क्या है, एक अस्त्र है, इसे चला दो, क्या है अस्त्र है इसे चला दो, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तो सर अस्त्र को कैसे चलाएंगे, तो मैं बताऊंगा चलाना, तो ये कैसे चलाएंगे सर, सॉल्यूशन देखेंगे। सर ये तो बड़ा है और ये कैसा है, छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो ये आएगा सर 15 माइनस के आर माइनस के वन आ जाएगा, अपॉन इनमें से बड़ी वैल्यू नीचे आ जाएगी, इक्वल टू 11/5 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे या बेटा 15 और एक 16 माइनस के आर अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा, 16×5 = 80 हो जाएगा, माइनस के 5 R हो जाएगा, इक्वल टू 11 R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 16 R = 80, तो R की वैल्यू आ जाएगी 5। बोलो क्या बोलते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा, बोलो बेटा क्या बोलते हो, समझ आ रहा है ना सेशन, है बताओ जल्दी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो अपने एंड से, है ना, एकदम मक्खन, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिल्कुल जीरो से, हर चीज में बताऊंगा आपको, बस स्पीड का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हर चीज को लिख लिख के बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट नहीं कर रहा, वो हर चीज इसलिए लिख के बता रहा हूँ, आप दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो स्पीड बार बार प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा एक इस पे मैं एग्जाम्पल दूं तो देखो आप डायरेक्ट कैसे फटफट हवा में उड़ाते हो, एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं कहूं बेटा 16C12 अपॉन 16C11, बताओ आंसर कितना होगा। सर 16 और 11 का डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा रे, 5 अपॉन बड़ी वैल्यू 12, ये आ जाएगा, बस ये आंसर हो गया। जैसे और एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपसे, मैं कहूं बेटा 100C60 अपॉन 100C40, तो बताओ क्या आप कहेंगे, सर 100 का 40 का डिफरेंस आ जाएगा 60, और वो बड़ी वाली वैल्यू 60 आ जाएगी, 60 से 60 कट जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आंसर आ जाएगा। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है, क्लियर है इतना। तो इससे बेटा ये जो रिजल्ट रहेगा इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और घूम के नहीं जाना है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपका, गेट इट एवरीवन। अब देखेंगे आगे को, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्या रखना है बेटा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, ये रिजल्ट भूलना नहीं है, ठीक है, जब तक आप एग्जाम देके ना जाओ। एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखेंगे, प्रीवियस ईयर के ही देख रहे हैं हम क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, एनसीआर अपॉन क्या, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस के वन, और इक्वल टू में है बेटा 7/3, क्या है 7/3 है, क्या है 7/3। नेक्स्ट बेटा एनसीआर प्लस वन अपॉन एनसीआर, क्या बेटा एनसीआर प्लस वन अपॉन एनसीआर इक्वल टू 3/2, क्या है इक्वल टू 3/2। वो कह रहा है फाइंड एन एंड ए,
दोनों फाइंड एन एंड आर, दोनों फाइंड करने हैं आपको। क्या करने हैं? दोनों फाइंड करने हैं, फटाफट फाइंड करो इन्हें। करो बेटा, प्रीवियस ईयर कई क्वेश्चन है, दोनों को फाइंड करो जरा जल्दी, करो जल्दी, एन और आर को दोनों को करो, दोनों को फाइंड आउट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो देखो पहले से सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। क्या बेटा? सॉल्यूशन देखेंगे कैसे सर। बेटा ये क्या, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, डिफरेंस किसका आ रहा है? ठीक है ना, बड़ा है ना, ये बड़ा बड़ा है ना, बड़ा और डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एन माइनस के आर माइनस के वन अपॉन बड़ी वाली आ जाएगी आर इक्वल टू 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा, ये है 3n माइनस के 3r प्लस के 3 बराबर के 7r हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये होगा सर 3n माइनस के 10r प्लस के 3 बराबर 0 हो जाएगा। एक तो ये हो गया तैयार, इस वाले को तैयार करेंगे तो सर ये बड़ा और छोटा कौन सा? बड़ा ये, छोटा ये, तो बेटा ये n माइनस आर आ जाएगा अपॉन बड़ा वाला नीचे आ जाएगा, है ना, बड़ा वाला नीचे आ जाएगा, इक्वल टू में क्या है 3/2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस के 2r इक्वल टू 3r प्लस के 3। ये इधर आएगा, है ना रे, सही कर रहे हैं ना, हाँ ये इधर आएगा, तो बेटा ये होगा 2n माइनस के 5r और माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन बन गई। तो मैं ये कह रहा बेटा इसमें 2 से गुणा करके इसमें यहां जोड़ दो, इसमें 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2×4n हो जाएगा, माइनस के 10r हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दो, जब इसे सॉल्व करोगे तो साइन चेंज कर दोगे आप, जब साइन चेंज कर रहे होगे तो ऐसे करके यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस एन, ये कट जाएगा और ये प्लस के 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, एन की वैल्यू मिल गई आपको 9, तो इस इक्वेशन में रख दो आप, तो यहां रखोगे तो 2×9 माइनस के 5r और माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो 9×18 में से 5 जाएंगे 15 और ये प्लस के 15 माइनस के 15, r की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 9 और r की वैल्यू आ गई 3। बोलो क्या बोलते हो, ये आपके आंसर हो गए, ये आपके आंसर हो गए। समझ आया नहीं आया? ठीक है, इसी सेशन को यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी कर दिया करेंगे अपने एंड से, ठीक है ना, और अपना फीडबैक देंगे कम ऑफलाइन क्लास में कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।